ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर ली है या फाइनल ईयर में हैं, तो उनके लिए अगर वो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, तो एक जो बीएड है ये एक कंपलसरी हो जाता है सबके लिए कि आपको बीएड करना कंपलसरी है। बीएड आपके पास होना चाहिए, आपने बीएड कर रखा हो तभी आप टीचर बन सकते हैं, टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए ये एक एज ए डिग्री आप इसको कंपलसरी कर दिया गया है। तो बीएड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है भरना स्टार्ट हो गया है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट बीएड की, एंड इस पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट डेट यहाँ पर दिखा देता हूँ, डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट 1 फरवरी है, एंड इसके बाद जो बीएड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो है 10 फरवरी से, एंड लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने की वो है 3 मार्च, एंड फॉर्म सबमिशन विद लेट फीस है ये, मतलब अगर लेट फीस के साथ आप भरना चाहते हैं तो 4 से 10 मार्च तक भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको 13 अप्रैल के बाद लगभग मिल जाएंगे, एंड इसके बाद डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है बीएड की वो 24 अप्रैल, अभी ये टेंटेटिव है, ये कंफर्म नहीं है। एंड यहाँ पर आप फॉर यूपी बीएड एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड क्लिक हियर फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, एंड यहाँ पर है इंफॉर्मेशन ब्राउचर, यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे कैसे फॉर्म, मतलब क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसको खोल लेते हैं ब्राउचर को, एंड ये है आपकी शैक्षिक अर्हता कि आपने पढ़ाई क्या कर रखी हो, तो इस पर ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डेट से रिलेटेड हैं, यहाँ पर दे रखा है कि अनुक्रम एडी का क्या क्या गया है, एंड और नीचे आएंगे इसके बाद तो यहाँ पर ढेर सारे कॉलेज दे रखे हैं, इनकी लिस्ट जो संबंधित कॉलेज हैं। इसका जो आयोजक है ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है झांसी। तो अब वापस से आते हैं, एंड आपने पढ़ ली होगी ढेर सारी चीज़ें, एंड क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये एक नया विंडो ओपन होगा, एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है सेम चीज़, एंड यहाँ पर फीस दे रखी है जनरल एंड ओबीसी 1400 1400 रुपये, एंड SC ST ऑफ यूपी ओनली 700, एंड SC ST ऑफ अदर स्टेट्स ये भी 1400। तो यहाँ पर फीस में वेरिएशन है अलग अलग ही सबकी, एंड विद लेट फीस यहाँ पर 2000 है, एंड यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी है कि वैलिड ईमेल आईडी आपको यूज़ करनी है, एंड एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ करना है, एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी आपको यूज़ करना है, प्रिफरेबली ऑफ पेरेंट्स, आपको फैमिली मेम्बर्स का ही यूज़ करना है, अल्टरनेटिव ईमेल आईडी भी आपको पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स की ही यूज़ करते हैं, या आप खुद की भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो दे रखा है कि आपको 50 KB एंड सिग्नेचर 50 KB एंड लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर, यहाँ पर ये भी 50 KB में आपको अपलोड करने हैं। एंड इसके नीचे आते हैं जो इम्पोर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट, एंड जिनको अप्लीकेबल है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, एंड कास्ट सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पर है मेन इम्पोर्टेंट डेट कि कब कब आना होना चाहिए। अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का बना होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, यहाँ पर दे रखा है। एंड इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आता है आपका सब कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकम सर्टिफिकेट। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2022 अथवा उसके बाद का ही बना हुआ होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे इसके बाद ये सारी चीज़ें आप रीड कर लेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दी है, एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन देंगे, एंड आई एग्री पर क्लिक करेंगे, एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, यूपी बीएड रजिस्ट्रेशन 2023 फॉर्म। तो आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, एंड यहाँ पर आपको कंफर्म करेंगे फुल नेम एंड फादर्स नेम, एंड कैंडिडेट के फादर का नेम दोबारा कंफर्म करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट के माता का नाम, एंड कैंडिडेट की माता का नाम पुनः इंटर करेंगे, इसको री इंटर करेंगे, एंड डेट ऑफ बर्थ,
एंड डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर कंफर्म करेंगे आप। एंड इसके बाद आपको ईमेल आईडी भरनी होगी कैंडिडेट की एंड कंफर्म करेंगे, एंड कैंडिडेट का मोबाइल नंबर एंड इसको भी आप कंफर्म करेंगे। एंड इसके बाद आपको कैप्चा फिलअप करना होगा। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा यूपीवीआर। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाऊंगा फॉर्म भरने का, फुल फॉर्म भरने का। तब तक आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए एंड इसके अगले वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा।